नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिज़ाइन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अस्फाल्ट रोड्स मतलब बिटुमिन रोड्स और कंक्रीट रोड्स में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड अस्फाल्ट रोड्स, अस्फाल्ट रोड्स मतलब बिटुमिन रोड्स। ठीक है, नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड अस्फाल्ट रोड्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, वन ऑफ द मेन डिफरेंस कैन बी सीन इन द ड्यूरेबिलिटी। कॉन्क्रीट रोड्स आर मोर ड्यूरेबल देन द अस्फाल्ट रोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिफरेंसेस में हम आते हैं तो ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। ड्यूरेबिलिटी के अगर कंडीशन देखें तो कॉन्क्रीट रोड्स आर मोर ड्यूरेबल देन द अस्फाल्ट रोड्स। ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मोर ओवर कॉन्क्रीट रोड्स हैव अ लॉन्ग लाइफ देन द अस्फाल्ट रोड्स। Another difference that can be seen is that the frequently repairs are not needed for concrete roads when compared to the asphalt roads. ठीक है, तो जो concrete roads होते हैं उनकी जो life है वो as compared to the asphalt roads ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो concrete roads है concrete road में continuously frequently repairing की ज़रूरत नहीं आती। ठीक है, फ्रिक्वेंटली रिपेयर हमें करना नहीं पड़ता, मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू द अस्फाल्ट रोड्स। अस्फाल्ट रोड्स में हमें फ्रिक्वेंटली रिपेयरिंग करना पड़ता है, अगर गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ पर हमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग डिसएडवांटेजेस हमें अस्फाल्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि कमिंग टू द वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आर रिलायबल टू कॉज मोर डैमेज टू द अस्फाल्ट रोड्स देन द कॉन्क्रीट रोड्स। ठीक है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अस्फाल्ट रोड में डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर है तो अस्फाल्ट रोड में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साथ में वहाँ पर मेल्टिंग होते हैं, मेल्टिंग की वजह से गैसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कॉन्क्रीट रोड में देखने को नहीं मिलती। उसके बाद में वन मोर थिंग दैट कैन बी नोटिस इज द कॉन्क्रीट रोड्स आर नॉट डैमेज फ्रॉम द ऑयल लीक्स। फ्रॉम द ऑयल लीक्स कॉन्क्रीट रोड्स आर नॉट डैमेज लाइक अस्फाल्ट रोड्स आर डैमेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनदर डिफरेंस दैट कैन बी नोटिस इज दैट द मेंटेनेंस इज ईजियर विद द अस्फाल्ट रोड्स। ठीक है, अस्फाल्ट रोड्स में मेंटेनेंस ईजी होता है। मेंटेनेंस ऑफ पार्ट ऑफ द अस्फाल्ट रोड इज पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में गड्ढे हो गए तो वहाँ पर हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, मतलब मेंटेनेंस कर सकते हैं अस्फाल्ट रोड में, वो चीज़ एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट रोड में नहीं हो पाती। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं, मोर ओवर दिस रोड्स कैन बी रीलेयर्ड। ठीक है, जो अस्फाल्ट रोड्स होते हैं, जो बिटुमिन रोड्स होते हैं, वो हम रीलेयर कर सकते हैं, और ये चीज़ हम कॉन्क्रीट रोड में नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद में विद द रिगार्ड टू द सेफ्टी, अस्फाल्ट रोड्स प्रोवाइड्स अ बेटर सेफ्टी फॉर अ व्हीकल्स। ठीक है, अस्फाल्ट रोड्स प्रोवाइड अ बेटर सेफ्टी व्हेन कंपेयर टू द कॉन्क्रीट रोड्स। अस्फाल्ट रोड्स हैव अ बेटर स्किड रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइड अ गुड ट्रैक्शन देन स्नो मेल्ट्स फास्टर ऑन द अस्फाल्ट रोड्स देन ए कॉन्क्रीट रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को हमें मिली, सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में क्या, अस्फाल्ट रोड्स एज कम्पेयर टू द कॉन्क्रीट रोड्स ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि अस्फाल्ट रोड्स में जो स्किड रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। स्किड रेजिस्टेंस मतलब क्या, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो जो बाइक का टायर है वो उसी जगह रोटेट होने लगता है। ठीक है, अगर वहाँ पर स्किड रेजिस्टेंस नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर स्किड रेजिस्टेंस है तो हम इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, स्नो मेल्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें बाहर जहाँ पर स्नोफॉल होती है वहाँ पर देखी जाती है, जैसे कि अगर स्नो फॉल हुई है अस्फाल्ट रोड के ऊपर तो वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट होने लगती है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो स्नो है वो मेल्ट होने लगता है, और वही चीज़ कॉन्क्रीट रोड में पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, वही चीज़ कॉन्क्रीट रोड में पॉसिबल नहीं होती। अब उसके बाद में अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखेंगे इन दोनों के बीच में, तो व्हेन लुकिंग एट द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स द कॉन्क्रीट इज बेस्ट ऑप्शन। फॉर द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट कॉन्क्रीट इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज अस्फाल्ट इज नोन टू द प्रोड्यूस द
पोल्यूटेड गैसेस व्हेन इट इज मेल्टेड, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोलता था, अगर हाई टेम्परेचर है तो जो बिटुमेन है, जो बिटुमेन रोड से, एस्फॉल्ट रोड से, वो जो हीट की वजह से मेल्ट होने लगते हैं, उसकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो पोल्यूटेड गैसेस, वो हार्मफुल रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कंक्रीट रोड्स में देखने को नहीं मिलती, अगर इन्वायरमेंट एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को अगर कंपेयर करते हैं कंक्रीट रोड और एस्फॉल्ट रोड में, तो कौन सा बेटर है। व्हेन कंपेयरिंग द कॉस्ट, कंक्रीट रोड्स कम्स विद द हायर पेविंग कॉस्ट देन द एस्फॉल्ट रोड, ठीक है। मोर ओवर इट टेक्स लेस टाइम टू ले एन एस्फॉल्ट रोड्स देन ए कंक्रीट रोड्स, ठीक है। तो कॉस्ट के थ्रू अगर देखते हैं तो कंक्रीट रोड में कॉस्ट ज़्यादा लगती है एज कंपेयर टू द एस्फॉल्ट रोड्स। एस्फॉल्ट रोड में कॉस्ट हमें कम लगती है, और एक चीज़, जो एस्फॉल्ट रोड है वो कंक्रीट रोड के कंपेरिजन में ज़्यादा हम जल्दी बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो एस्फॉल्ट की रोड की जो लेयर है वो हम इजीली कम से कम टाइम में उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कंक्रीट में नहीं होता। कंक्रीट में हमें क्यूरिंग प्रोसेस और बहुत सारी प्रोसेस हमें देखनी पड़ती है, रेनफोर्समेंट वगैरह, तो वहाँ पर ज़्यादा समय हमें लग जाता है, ठीक है। तो कंक्रीट रोड्स ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द एस्फॉल्ट रोड्स। तो ये सारे जो मेजर डिफरेंसेस है, ये आपको बेसिकली बेसिक नॉलेज के थ्रू आपको पता होने चाहिए, तो इसलिए ये वीडियो ट्यूटोरियल हमने बनाया था। तो यहाँ पर ये जो सारे डिफरेंसेस है, वो सारे डिफरेंसेस आपको अगर समझ में आते हैं तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।